हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो ऑलरेडी हो चुका है और जो सेकंड अटेम्प्ट है वो भी बिल्कुल आपके पास में आ चुका है। उसमें भी बच्चों बहुत ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, तो ये 15 डेज में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, किस प्लान को फॉलो करना है, ये बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंस रखता है इस बात के लिए कि आप जो मार्च अटेम्प्ट आने वाला है इसमें अपने मार्क्स को कैसे और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हो। अगर आपका फेब अटेम्प्ट जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है तो भी बच्चों आप कुछ एक चीजें हैं जिनको फॉलो करके अपना मार्च वाला जो स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हो। वो पॉइंट्स क्या है वो बच्चों मैं और सूर्यमान सर जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, तो इस छोटे से वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखना। उससे पहले बच्चों आप सबको मैं बता दूं कि आरबीसी 3.0 बैच जो है उसके एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो क्लासेज हैं वो बच्चों कल से स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो जिनके पास में एग्जैक्टली प्लान नहीं है कि उनको क्या करना है, क्योंकि बच्चों एक बिना प्लान के आप जो अपनी स्टडी है उसको इफेक्टिवली नहीं कर सकते, तो इस कोर्स में बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मजा बच्चों इसमें आपको आने वाला है, ठीक है। तो इसके एनरोलमेंट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए बच्चों एक एक करके मैं आपको सारे हम पॉइंट्स बता दें। सबसे पहला बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो फेब अटेम्प्ट था उसके अंदर ऐसा कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था कुछ भी। जैसे काफी बच्चे मान के चल रहे थे कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पेपर बच्चों बिल्कुल ईजी, जिस लेवल के जेईई मेन में पूछे जाते हैं वही लेवल जो वो अभी भी मेंटेन उन्होंने करके रखा, कोई भी ड्रास्टिक चेंज किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आया है। तो इसका मतलब मार्च अटेम्प्ट जो आपका होने वाला है वहां पे भी कुछ ऐसा सा ही होने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में इस टाइम पे जो एक वो होता है कि रिवीजन के लिए हम किस मटेरियल का, क्योंकि बच्चों को सर मैक्सिमम क्या कंफ्यूजन रहता है कि हम सब रिवीजन कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस हम किस सेक्शन से करें, कौन सा मटेरियल जो हमने फॉलो करना चाहिए। तो बताइए कि क्या इस अटेम्प्ट से ज्यादा रिलेवेंट अभी इनके लिए कुछ हो सकता है? सबसे ज्यादा रिलेवेंट तो आई थिंक वही चीज है। आप 2020 के पेपर्स उठाइए, आप 2019 के पेपर्स उठाइए और वहां से जब उनको उठा के देखोगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका कॉन्सेप्ट या सेम डेटा के साथ में वो इस पेपर में भी, जो फेब वाला अटेम्प्ट था वहां पे भी वो जो है वो वापस से बार बार आपके पास में रिपीटेशन के थ्रू पूछे जा रहे हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो रिवीजन के लिए जो आपकी इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए बच्चों, ये जो फेब अटेम्प्ट है जेईई मेन, इनमें भी अगर आप इनको चैप्टर वाइज सारे पेपर्स को करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि आप एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी 3.0 जो है उसमें भी हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज आपको सारे पेपर्स जो है वो अच्छे से सोल्व करवाए जाएंगे। दूसरी चीज बच्चों क्या है, आपको पता है कि जैसे इतनी सारी शिफ्ट हो चुकी है तो उसके लिए बच्चों क्या होता है कि डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे काफी बच्चे क्या होते हैं कि कुछ सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स जो कि माने जाते हैं कि मैथ्स में जेईई मेन के सिलेबस में है और प्योरली जेईई मेन के सिलेबस में, तो इनसे तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना है। लेकिन कुछ बच्चों के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एक शिफ्ट में उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा। तो इसीलिए बच्चों हम बार बार स्टार्टिंग से कहते हैं आपको कि जो आपका सिलेबस है वो मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो उतना ज्यादा कवर कीजिए। अगर कुछ चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं या कुछ चैप्टर्स में आपकी कमांड बहुत अच्छी नहीं है तो उन चैप्टर्स के भी कम से कम आप बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को पीएनसी प्रोबेबिलिटी में डर लगता है, बट इस बार की सारी शिफ्ट उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट शिफ्ट में बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले रिविजन उन चैप्टर्स का आप कीजिए जो आपके बिल्कुल नहीं किए, उन चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी आप 2-3 दिन में कवर अप करने की ट्राई करें। चाहे आप उनके फॉर्मूला सारे याद रखें, चाहे उनके बेसिक क्वेश्चंस करें, उसके बाद में आ जाना आपको क्वेश्चन वाइज जो प्रैक्टिस है उस पे, और उसके प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपको ये वाले पेपर जो सबसे पहले सोल्व करने, उसके बाद में 2020 के कीजिए, 2019 के कीजिए। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ भी और करने की अभी के लिए जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास में इतना टाइम बचा है मार्च अटेम्प्ट से पहले कि आप बहुत सारे मटेरियल में उलझ के रह जाओ, ठीक है। उसके बाद तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, बट उनके लिए भी रिविजन का जो सबसे अच्छा और जो सबसे रेलिवेंट मटेरियल है वो बच्चों मैं अभी भी आपको बोलूंगा 19, 20 और 2021 का जो फेब अटेम्प्ट है इनको आप बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब कुछ ज्ञान की बातें आपको सूर्यमान सर भी बताएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो भाई सर ने जैसा बताया,
PYQ, वो भी रीसेंट ईयर के, ठीक है, वो तो भाई विदाउट अ डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू राइट नाउ, क्लियर है। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फॉर्मुला बेस्ड रिवीजन। तो क्या हो रहा है बच्चों, पेपर जो आया है फरवरी अटेम्प्ट का पूरा फॉर्मुला बेस्ड फिजिक्स आई है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कि सिर्फ आप फॉर्मुला बेस्ड रिवीजन करें, पर मैं ये जरूर बोलूंगा देयर इज अ मस्ट कंडीशन कि भाई आपको सारे फॉर्मुले याद होने चाहिए। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन आया जो कम्युनिकेशन सिस्टम के सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आए भाई ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड आया है, ठीक है। तो आप ये गलती तो ना करें या फॉर्मुला छोड़ के आए, क्योंकि देखिए आपको चैप्टर रिवाइज करने के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा समय नहीं बचाओ, लेकिन हाँ आप फॉर्मुला को काउंट डाउन करके रट तो सकते ही हो यार भाई, ठीक है। तो आप एटलीस्ट फॉर्मुला भाई देख के जाए, गो थ्रू होके जाए, नहीं तो बहुत दुखदाई हो सकता है, ठीक है। फॉर्मुला बेस्ड रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अभी कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था अमित सर कि यार मैथ्स लेंदी आ गया, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे सर मैथ्स लेंदी आ गया, सर वो मैथ्स लेंदी नहीं आया भाई, तेरे को टाइम मैनेज करना नहीं आया है, ठीक है। तो आप टाइम मैनेज करना सीखिए। टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, आप ये ध्यान सुनिएगा, हमारे अगले पॉइंट से एंगेजिंग योर स्टडी आवर्स। आप स्टडी आवर्स ऐसा बनाइए कि आप 9 से 12 बैठ के पढ़ें इन 15 दिन और 3 से 5 बैठ के पढ़ें, जो भी आपका शिफ्ट का पेपर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 घंटा कंटिन्यूअस एंगेजमेंट होना चाहिए आपका दिमाग का, ठीक है। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट नहीं होगा दिमाग का प्यारे बच्चों, तो आप आखिरी में आलस कर जाओगे या फिर आप ऐसे कुछ सवाल उठा लोगे जिनको आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। तो आप सबसे ज्यादा टाइम एंगेज करें वो घंटे जो पेपर में आपको देने हैं, क्लियर है क्या प्यारे बच्चों। और हमारा आरबीसी 3.0 एक और बार मैं कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये इसी हिसाब से देख के रखे, दिमाग में रख के बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर जो प्रॉब्लम्स है और जो अपकमिंग आपका पेपर है उन दोनों के बीच की ब्रिज को हम पूरा कर पाए, क्लियर है बच्चों। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम एटीपी स्टार टीम, ठीक है बच्चों। तो मैं पूरे सेशन को एक बार कंक्लूड कर देता हूं। बेसिकली आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जेई मेन के जो फेव अटेम्प्ट वाले पेपर हैं सारे पेपर्स को आपको चैप्टर वाइज अच्छे से उनको सोल्व करना है। तो और इसके अलावा आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम जो सिलेबस है उसको आप कवर कर सको, आपके स्टडी आवर्स को आपको मैनेज करना है। जो भी आप मॉक टेस्ट दो, आज के बाद से कसम खा लो कि मॉक टेस्ट आप 9-12 दोगे या फिर 3-6 दोगे, जब तक आपके एडमिट कार्ड जो वो नहीं आ जाते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद तो एग्जैक्टली आपको बच्चों उसी शिफ्ट में वो पेपर अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको ओरिजिनल या जो फाइनल जो टाइम है जो जेई मेन में आपका जो टाइम रहेगा उसी टाइम में आप मॉक टेस्ट जो उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए खुद से सोचिए कि जेई मेन में टोटल आपके पास में 6 अटेम्प्ट बच्चों फेवर अटेम्प्ट वाले में 6 शिफ्ट हुई है। 6 शिफ्ट में एक पेपर में एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन हुए सर, 90 क्वेश्चन टोटल। 90 × 6 करोगे तो बच्चों 540 क्वेश्चंस आपके पास में है। ये एक पूरा क्वेश्चन का बैंक आपके पास में 540 क्वेश्चंस, और मान के चलिए कि इनसे ज्यादा इस टाइम पे कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। तो आपको आज ही ये कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आई विल डू इट दोस 540 क्वेश्चंस। एक एक सिंगल क्वेश्चन बच्चों आपकी नजरों से निकल के जाना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि जो आपका मार्च अटेम्प्ट होने वाला है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो वहीं से रिपीट होते हुए मिलेंगे, आपको कुछ एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम भी मिलेंगे सेम डेटा के साथ में, अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो बच्चों वो तो रिपीट होना ही होना है। अरे यार इतने कितने कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे कि डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनसे एग्जाम में लगातार बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अगर आप उनको निकाल के अगर आप उनको एनालाइज करके ये पकड़ लेते हो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत इजीली जो इजी चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। और ये पता आपको कहां से चलेगा, वो बच्चों आपको इस अटेम्प्ट से पता चलेगा। इसके एक एक क्वेश्चन जो है वो आपकी नजरों से निकलते आना चाहिए। जब आप एग्जाम लिखने जाओ तो उससे पहले आपके वो जो 540 क्वेश्चन है उनमें बच्चों एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये मान के चलो कि आप जो मार्च अटेम्प्ट है उसमें बहुत अच्छे से बच्चों फोड़ने वाले हो। ओके, तो बाकी बच्चों एटीपी स्टार की तरफ से आपको गुड लक, बहुत अच्छा आप जो वो करने वाले हो।